YouTube switch to YouTube.com problem। दोस्तों आप सभी प्रूफ के साथ देख सकते हैं मेरा यहाँ पे YouTube पे जो प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व आउट हो गया है। बट काफ़ी लोगों के अभी फ़ोन के अंदर क्या हो रहा है, जैसे YouTube ओपन कर रहे होंगे तो आपको switch to YouTube.com प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा है, इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो रखी है। आपको कुछ भी यहाँ पे जाके फालतू का APK मत डाउनलोड कर लेना कि भाई पता नहीं क्या हो गया, एंड आपकी Gmail ID बिल्कुल सेफ है, उसको कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा है, आप खुद पढ़ो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है। इस तरीके से स्विच टू यूट्यूब डॉट, सबसे पहले बता देता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आती है आपके यूट्यूब पर। देखो ये जो है प्रॉब्लम तभी आई है, आई थिंक आज ही आई है, पहले तो नहीं आई थी। ये होता है तब है जब जैसे कि आप काफ़ी समय से कोई भी अपने फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन डाल, उन एप्लीकेशन को आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं बट कभी भी उसका जो है क्लियर कैच या फिर स्टोरेज नहीं करते हैं या फिर उसको अपडेट भी नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखना चालू कर दें, पर स्किप मत करना, छोटी सी वीडियो ऑलरेडी मैंने रखी है, एंड कोई भी APK मत डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऑफिशियली YouTube से ही यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है वो फिक्स आउट होगी, एंड ऑफिशियली तरीका बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मत डाउनलोड करने की, एंड चैनल पर पहली बार तो या चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि आपका भाई ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए अपलोड करे तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो आपको क्या करना है, फटाफट से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो। आपको क्या करना है, जैसे कि मेरी ये YouTube एप्लीकेशन है, ठीक है, इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके रखना, एंड उसके बाद दोस्तों तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से देख, तो आप सभी को क्या करना है, जो YouTube एप्लीकेशन है इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे, जब रखोगे तो उसके बाद दोस्तों तुम्हें जो है इसकी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी ऐप इन्फो, इसकी आप जो है ऐप इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे YouTube की, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे इतनी सारी ऑप्शन मिल जाएंगी, सबसे पहले आप इसकी फोर स्टॉप कर दो, जो तीसरे नंबर पे आ रही फोर स्टॉप, ओके कर दो। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी इस तरीके, स्टोरेज एंड कैचेस, इसके ऊपर आप क्लिक करो। अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा 101%, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, क्लियर कैच कर दो, क्लियर डेटा मत करना, बस क्लियर कैच कर दो। अब तुम्हें क्या करना है, इसको बैक कर दो। बैक करने के बाद दोस्तों मेन गाइस आप सभी ये सब कर लेना, बट आपको जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेन रीज़न क्या है आप खुद पढ़ो, दिस वर्जन ऑफ यूट्यूब इज़ आउट ऑफ डेट, यानी कि जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब का, ये आउट ऑफ डेट हो गया है, एंड अपडेट आर अवेलेबल फॉर योर डिवाइस, प्लीज़ विजिट एंड अपडेट योर YouTube एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको जस्ट YouTube एप्लीकेशन को अपडेट करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, जाओ प्ले स्टोर पे एंड चेकआउट करो, यहाँ पे YouTube सर्च करो, और सर्च करने के बाद आप खुद देखना, मेरे को यहाँ पे देखो YouTube की जो अपडेट आई हुई है। कई बार क्या होता है यार, हम काफ़ी सालों से अपडेट नहीं करते, अभी महीनों 6-6, 7-7 महीने अपडेट ही नहीं करते कुछ एप्लीकेशन को, ऐसे ही डेली यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो YouTube का अपडेट आया हुआ है, इसको अपडेट कर लो, यही इसका मेन सोल्यूशन है। इस तरीके से अपडेट लगा दो, 5-10 MB का अपडेट होगा, अपडेट कर लो बस, और कुछ भी नहीं करना, कोई थर्ड पार्टी ऐप मत डाउनलोड करना, यही है, अपडेट करते देखना चल पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसी तरीके की जेनुअन वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।